देख रहे न्यूज 24 आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने नोटबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद चुनाव काले धन के इस्तेमाल में कमी आएगी, इस चीज की उम्मीद थी लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। चुनाव के दौरान जब्त किए गए नोटों से ये बात साबित होती है। पुराने चुनाव के मुकाबले इस बार राज्यों में ज्यादा नोट सीज किए गए हैं। पिछले चुनाव से इस बार ज्यादा काला धन जब्त हुआ, ओपी रावत ने कहा, पूर्व चुनाव आयोग के बाद जो आम धारणा थी कि चुनाव में पैसे का दुरुपयोग कम होगा, वो सीजर के आंकड़ों से ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ। सीजर जो है पिछले इलेक्शंस की तुलना में उन्हीं राज्यों में और भी ज्यादा हुआ। उससे ये लगा कि जो पॉलिटिकल क्लास है या जो उनके फाइनेंसर क्लास के लोग हैं, उनके पास कैश की कमी नहीं हुई। और ये जनरली देखा गया है कि इस तरह के मामलों में जिस पैसे का उपयोग होता है वो जनरली ब्लैक मनी होता है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत को आप सुन रहे थे। मेरे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ओपी रावत सर का बयान है, ओपी रावत जी का बयान है मीम अफजल, कि नोटबंदी का कोई फर्क इस बार नहीं देखने को मिला चुनावों में, और ये वही मसला है जिससे प्रधानमंत्री तो लगातार भुनाते हैं सर, और साथ ही बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसका जिक्र ना करता हो प्रचार में या किसी भी कार्यक्रम में। देखिए, जहां तक ब्लैक मनी का ताल्लुक है, हम लोग पहले दिन से ही बात कह रहे हैं कि ना तो नोटबंदी से प्रधानमंत्री के किसी भी जो लक्ष्य वगैरह उस वक्त गिरवाए थे और जिनको बाद में बदलते रहे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। न सिर्फ सबसे बड़ा मामला ब्लैक मनी का था, और आज ओपी रावत जी के बयान से ही बात साफ जाहिर हो रही है कि इस चुनाव के अंदर भी वही ब्लैक मनी की रेलपेल उनको दिखाई दी जो इससे पहले भी होती थी, बल्कि शायद उन्हें ये भी कह रहे हैं कि उसको कुछ इजाफा ही दिखाई दिया है, ज्यादा कॉन्फिसकेट की गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी को जिस तरह से भुनाने की नहीं बल्कि जिसका झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई वो टोटली एक्सपोज हो चुकी है। नोटबंदी के नतीजे में 150 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, आज तक उनको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उनके बारे में कभी कोई हमदर्दी के दो लफ्ज प्रधानमंत्री ने नहीं बोले। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये कि नोटबंदी से ब्लैक मनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अलावा उन्होंने जो दूसरा लक्ष्य बताया था कि आतंकवाद पर जो है इससे पाबंदी लगेगी, आतंकवाद भी आपने देखा कहीं कोई कमी नहीं आई। ठीक है मीम अफजल जी, हमारे साथ सुधांशु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुधांशु जी, ओपी रावत कह रहे हैं कि नोटबंदी से चुनावों में काले धन का प्रयोग घटा नहीं है, जितना पहले होता था उतना प्रयोग इस बार भी चुनावों में हुआ। आप लोग हर जगह पर जिक्र करते हैं डीमोनेटाइजेशन का, अपने इस कदम का। अब मुझे लगता है आप लोगों को अपनी लाइन में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए सर। ओपी जो थे ये पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उनसे तो कम से कम ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो कोई बयान दें तो तथ्यों के आधार पर दें। नोटबंदी से पहले उन्होंने कौन सा चुनाव इन तीनों जहां पे चुनाव हो रहे हैं करवाया था जिसकी वो तुलना कर सके? मध्य अच्छा। प्रदेश का जो चुनाव था वो 2013 में हुआ था, आज है 2018, उससे पहले राजस्थान का 2013 में हुआ था, उससे पहले छत्तीसगढ़ का 2013 में हुआ था। तो जब जो है वो तुलना करते हैं तो तुलनात्मक तौर पे उनके सामने क्या तथ्य है जिसके हिसाब से वो कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा? सुधांशु जी, अभी तो एक बयान सामने आया है, सुधांशु जी अभी सिर्फ एक बयान सामने आया है, अगर कल उनसे तथ्य भी मांग लिए जाएं और अगर वो तथ्य रख दें आप एक्सेप्ट करेंगे ना? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। जब ये चुनाव करवा रहे थे 2013 में, ये आयुक्त नहीं रहे चुनाव आयुक्त, तो इसलिए इनके लिए उससे तुलना करना मतलब ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे बयान जो कि तुलनात्मक तौर पे वो सिद्ध ना कर सके उनके लिए बोलना मुझे लगता है ये अनुचित है, और उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है जो कि सत्य से परे है, मैं उनकी राय को खारिज करता हूँ। सुधांशु जी, आप व्यक्तिगत राय बता रहे हैं उनके? हाँ, पूर्व चुनाव आयोग अगर कुछ बोलेगा सर तो सोच समझ के बोलेगा।
मीम अफजल साहब, सुधांशु मिश्रा कह रहे हैं, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, एक मिनट सुधांशु जी मैं आ रही हूँ, मीम अफजल साहब, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि तथ्य के आधार पर ओपी रावत को बोलना चाहिए, मैं उनसे इस चीज की उम्मीद नहीं रखता था। देखिए इससे अलग हटके कि रावत जी ने जो कुछ कहा जाहिर है कि वो एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो वो तत्वों के आधार के बगैर तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी बयान में एक बात भी कही है कि पिछले इलेक्शनों की तुलना में इस बार जो ब्लैक मनी पकड़ी गई है वो ज्यादा है, ये बात अपने आप में इसका इजहार करती है कि ब्लैक मनी जो है बिल्कुल फ्लोट कर रही है मार्केट के अंदर। दूसरी अहम बात सुधांशु भाई से मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने अब तक ब्लैक मनी के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए, कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई नोटबंदी के नतीजे में, सरकार क्यों बताने के लिए तैयार नहीं है, कितने नोट आए, कितनी की तफसील उसकी आज तक छुपाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर क्यों नहीं साफ करते आप लोग ब्लैक मनी को लेकर सर, ओपी रावत के बयान पर आपको शक होता है, आप ये व्यक्तिगत राय बता देते हैं, आप लोग सामने क्यों नहीं कोई पिक्चर साफ करते? नहीं नहीं, मुझे मैंने कहा कि आज का चर्चा का विषय है कि ओपी रावत ने क्या कहा, और ओपी रावत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद करी जाती है, और जब उस तरह का व्यक्ति को इस तरह का बयान देता है तो तथ्यों के आधार पर देना चाहिए उसको, उनको अच्छा रहता कि वो तथ्य सामने रखते और कहते कि वो देखिए इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, लेकिन ना कह के एक इस तरह का बयान देना मुझे लगता है ये अशोभनीय है उनके प्रति। दूसरी बात है कि जब भी इस विषय पे नोटबंदी पे चर्चा करना चाहे मैं खुद ही चुनौती देता हूँ मीम अफजल साहब को, कभी भी करने मेरे साथ बैठ के मैं उनके क्या तथ्य है क्या नहीं है सारे उनके सामने रख दूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनको निरुत्तर कर दूंगा। तो इसलिए विषय से नहीं भटके, आज विषय जो है ओपी रावत के बयान का है, और ओपी रावत का बयान गैर जिम्मेदार बयान है, क्योंकि उस बयान जो इतने बड़े अधिकारी जब कोई व्यवस्था के बारे में प्रश्न उठाते हैं। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया, और मीम अफजल साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बयान।